शिवसेना उप नेता विजय नाहटा ने आज छठ महापर्व के अवसर पर नई मुंबई के आगरोली तालाब पर भेंट दिया और छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी। बेलापुर के आगरोली तालाब पर आयोजित इस कार्यक्रम में उप नेता विजय नाहटा ने उत्तर भारतीय समाज को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख रोहिदास पाटिल, कमलेश वर्मा और छठ पूजा समिति के अध्यक्ष प्रहलाद महासेठ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए झलकी। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आज धूम रही। नवम्बई के विविध तालाबों पर छठ व्रतियों का रेला लगा रहा। अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने भुवन भास्कर की पूजा अर्चना की। तस्वीर में दिख रहा यह नजारा बेलापुर के आगरोली गांव तालाब का है, जहां सार्वजनिक पूजा और सांस्कृतिक महोत्सव समिति ने छठ पूजा का आयोजन किया। यहाँ सैकड़ों व्रतियों ने छठ मैया को अर्घ दिया और मंगल की कामना की। कार्यक्रम में बाला साहब की शिवसेना के उपनेता विजय नाहटा, उप जिला प्रमुख रोहिदास पाटिल, उत्तर भारती मोर्चा के जिला संगठक कमलेश वर्मा, स्थानीय पुलिस अधिकारी अरुण पगार, आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रहलाद महासेठ खासतौर पर मौजूद रहे। उप नेता विजय नाहटा ने समारोह के लिए आयोजक प्रहलाद महासेठ और उत्तर भारतीयों की सराहना की और सभी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। बिहार और उत्तर प्रदेश का कुछ जो एरिया है और झारखंड का जो एरिया है, वहाँ के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है और बहुत ही श्रद्धा के साथ और अपेक्षा के साथ वहाँ की हमारी महिलाएं, हमारी जो सिस्टर्स है, वो ये छठ पूजा का त्यौहार करती है। उगने वाले सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये खासियत है कि जो सूरज ढलता है उसकी भी पूजा ये लोग करते हैं और इसका बहुत महत्व है। महाभारत में भी कहा गया है और रामायण में भी कहा गया है। कहा जाता है कि माता सीता ने ये छठ पूजा की थी और माता द्रौपदी ने भी छठ पूजा की थी। और ये भी कहा जाता है उत्तर भारत में कि जो मन्नत आप मांगते हैं छठ पूजा के समय, वो आपकी मन्नत पूरी होती है। इसके पहले उसी एरिया में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में, छठ पूजा की जाती थी, लेकिन आपने देखा होगा महाराष्ट्र के हर एरिया में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के इतने बड़े पैमाने पे लोग हैं कि अभी उसको यहाँ भी मान्यता मिली है। और पूरे महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, इस एरिया में या पूना में, छठ पूजा का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं उन सभी बहनों को, सभी भाइयों को जो वहाँ से आए, यहाँ बसे, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रामाणिकता से इस शहर का विकास कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। रिपोर्ट टीवी और इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी और इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।